जज़ाकल्लाह मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब अपने मखसूस अंदाज में अंजुमन सिपाही हुसैनी जाफरिया कॉलोनी के हमरा नौखानी वसी नजनी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। एक नोहे की और गुजारिश है, इंशाल्लाह एक नोहे के फौरन बाद मैं मुल्तमिस रहूँगा अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के मेम्बरान की खिदमत में कि वो एक नोहे के फौरन बाद हल्के मातम में शहजादी को पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहेंगे। अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो एक नोहे के फौरन बाद आमादा नोहो मातम रहेंगे। या हुसैन, मुझे हुक्म हुआ है, ये बहुत एक पुराना नोहा हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए हैं सच्चे साहब का, दो या तीन बंद आपके खिदमत में पेश करता हूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरिया के सम देख के मौला अब्बास को आवाज़ दे रही हैं, तसव्वुर शर्त है। अब्बास शेरे नयस्ताने हैदर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रोकर। तसव्वुर शर्त, क्या इसी दिल के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेश में जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हल मिल की सदा, अब्बास तन्हा है खड़े रन में सरवर। भाई हो कहाँ, अरे शौक है दिल पे मेरे तेरी जुदाई हो कहाँ, अरे देर से देती हूँ भैया मैं दुहाई हो कहाँ, अरे लुटती है फातिमा जहरा की खुमाई हो कहाँ, अब्बास खंजर खल्के सरवर पर। मैं वैसा पढ़ नहीं पा रहा हूँ हजरात, मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ कुछ नौ कर लूँ ताकि मेरे भी कुछ गुनाह माफ हो जाएं।
भाई को भूल गए, ध्यान ना बहनों का रहा, भाई को भूल गए, ध्यान ना बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, अरे हाय किस देश से किया तुमने गवारा भैया, हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया, अब्बास जब छीन गए कानों से गुहर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रो कर, अब भी हैं शाम का दरबार है, शायद यही सबब था कि जब हमारे चौथे इमाम से पूछा गया कि मौला आप पर सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ पड़े, तो आपने कहा अच्छा क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, आ गई क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी नहीं दिखलाई, आ गया रलों से आलम तुम नहीं आए भाई, अब्बास फटता है मेरा सदमे से जिगर, आखिरी बल और रहमत तमाम मौत रो लिया है, कयामत का समा लूट है हर समत मची, कोई पुरसा नहीं, हालत है अजब बच्चों की, तादिया ले कोई खाता है तमाचे, कोई आग दामन में है मासूम सकीना के
लगी अब्बास भैया उठो लो जल्द खबर।